ओके okay. तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज मास्टर कैम के अंदर कि रिवॉल्व कमांड को कैसे यूज करते हैं, रिवॉल्व टूल पाथ कैसे यूज करते हैं और रिवॉल्व टूल पाथ के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. ठीक है, कोई चीज की डाई कैसे निकालनी है, कोर कैसे बनाना है, वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे, फिर इसका 3D मॉडल बनाएंगे, फिर उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ड्राइंग भी ये स्पेशल है, इसमें ये काफी लोगों से बनती नहीं है तो ड्राइंग भी ध्यान से देखनी है. ठीक है, तो ये हमारे पास 40x114 का एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है. हम यहाँ से टॉप व्यू करके एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. ये है 40 और ये है 114. ठीक है, अब ये जो मॉडल है ये यहाँ पे है सेंटर इसका कॉर्नर में, पर मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में हो. हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके मूव टू ओरिजिन या मिड पॉइंट पे ले लेंगे. ठीक है, ताकि हाफ बना के मैं उसको रिवॉल्व कर सकूं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, और हमारे को क्या नजर आ रहा है, हमारे को 24, 10 और 14 तीन ऑफसेट नजर आ रहे हैं. पहले पर 24 करेंगे, फिर उसको 10 करेंगे और 14 करेंगे. तो ऑफसेट 24, ओके, फिर 10, फिर 14. ठीक है, और फिर एक हमारे को ऑफसेट और दे रखा है 80, 80 भी कर ही देते हैं साथ ही इसको. ठीक, उसके बाद हमारे को ड्राइंग में नजर आ रहा है ये 10 है, ये 16, यानी 5 ऊपर 5 नीचे, 8 ऊपर 8 नीचे. ऑफसेट करेंगे 5, यहाँ पे बोथ साइड कर देंगे तो बोथ साइड हो जाएगा. एक साइड करना है तो एक साइड कर लो. ठीक है, हम एक ही साइड कर रहे हैं. ओके करो 5. ठीक, एक कमांड होती है, अभी जैसे मैंने ऑफसेट किया ना तो 2-3 बार ऑफसेट हो गया. ठीक है, तो मुझे तो पता है, पर अगर मान लो कभी ना पता हो किसी को, है ना, मुझे पता है कि यहाँ पे 2 बार ऑफसेट हुआ है. ठीक है, चाहे खुद की गलती से हुआ है चाहे जैसे भी हुआ हुआ है ना, और हम ये देखना चाहते हैं कहीं पे लाइन के ऊपर लाइन तो नहीं है क्योंकि दिख नहीं रही हमारे को. तो रन एड इन के अंदर ऑप्शन होती है हमारे पास एक फाइंड ओवरलैप की, तो फाइंड ओवरलैप लूंगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा, एंड सिलेक्शन क्लीन अप. यहाँ पे लिखा है टू ओवरलैप एंटिटी डिलीटेड, ओके. तो उसने जो भी दो ओवरलैप एंटिटी थी उनको डिलीट कर दिया. ठीक, तो यहाँ पे ओवरलैप खत्म हो गया क्योंकि वो बाद में मुझे तंग करता तो मैंने पहले ही उसको डिलीट कर दिया, और कमांड भी सिखाने का मन था तो वो भी समझ में आ गया. ठीक है, अब हमने जो चीज हमारे को चाहिए उसको रख के बाकी का हमने डिवाइड कर दिया. ठीक, यहाँ पे हमारे को एक चैम्फर भी नजर आ रही है 1 into 45 की, तो हम चैम्फर भी लगा देते हैं एंगल वाली 1 into 45 डिग्री. ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे को दे रखा है 5 का सर्कल, तो 5 का सर्कल बनाने के लिए हमारे को पहले ऑफसेट करना पड़ेगा 5. ये मैं हाफ बना के मिरर कर दूंगा. ठीक है, तो इसलिए मुझे एक ही साइड चीज चाहिए, दूसरी साइड नहीं चाहिए. ठीक है, तो हम सिर्फ ऊपर वाली साइड बना रहे हैं. उसके बाद हमारे को 25 दे रखा है, यानी कि ऑफसेट मुझे करना पड़ेगा 12.5 का. क्यों करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पे एक आर्क टेंजेंट लगा सकूं टू एंटिटीज के साथ. ये देखो, ये जो आर्क है 50 वाली, ये 5 को भी टच कर रही है और 25 को भी टच कर रही है ना. तो
रेडियस है 50 का, 5 को भी टच होना चाहिए, 25 को भी, तो इनमें से जो भी चाहिए वो रख लो, बाकी का ओके कर दो। ठीक, अभी ये जो आर्क बनी है ये थोड़ी सी बनी है, हमारे को पूरी चाहिए। हम यहाँ पे कमांड होती है क्लोज आर्क, अगर किसी आर्क पर मैं क्लिक करके क्लोज आर्क कर देता हूँ तो पूरा गोल हो जाता है। जी ठीक ठीक है, फालतू की चीज को हम डिवाइड कर सकते हैं, इस लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इस ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट है ये 31 वाला सर्कल। 31 वाला सर्कल 50 वाले के टेंजेंट है और ये पॉइंट से इंटरसेक्ट है। अगर कोई चीज किसी चीज के टेंजेंट है और उस टेंजेंट से मैं अगर ऑफसेट कर दूं, यानी 31 वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट इसके ऊपर कहीं होगा और ये जो पॉइंट है यहां से 31, तो दोनों जहां पे काट रहे हैं वो पॉइंट है 31 का सेंटर। छोटे होते पढ़ते थे हम कि अगर कोई सर्कल, जैसे ये सर्कल है ना, इसके टेंजेंट है, तो जी अगर मैं इसको ऑफसेट कर दूं सेंटर पॉइंट से, तो जितना इसका रेडियस है मैंने 50 वाले सर्कल को उतना ऑफसेट कर दिया, 31 ऑफसेट कर दिया, तो सेंटर पॉइंट पता लग गया। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से अगर मैं सेम रेडियस का सर्कल मार दूं तो दोनों जहां पे काटेंगे वो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वही ठीक हमने करने की कोशिश की है। और ये दोनों सर्कलों का काम खत्म हो गया, इनको डिलीट कर दो, फालतू की चीज को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका काम भी खत्म हो गया। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए एक्चुअल में, ये जो सेंट्रल लाइन है ये भी पूरी नहीं चाहिए, ये मुझे हाफ ही चाहिए। ठीक, अब ये जो हमने हाफ बना लिया, ये देखो ये हाफ सेक्शन व्यू मैंने बना लिया, क्यों बना लिया, मैं सॉलिड को एक्सट्रूड कर सकता हूँ ये बार वाली बाउंड्री को 30 डायरेक्शन नीचे 30 एक्सट्रूड कर सकता हूँ, और ये जो चीज है इसको मैं रिवॉल्व कर सकता हूँ। पहले चेन सेलेक्ट करनी है, ओके करना है, फिर एक्सिस बतानी भाई किस एक्सिस के चारों तरफ चाहिए, तो एक्सिस बता दो। ठीक है, अभी मैं क्रिएट बॉडी कर रहा हूँ, ओके। क्रिएट बॉडी करने से ये अलग बॉडी बन गई, ये अलग बॉडी बन गई, जी और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ दोनों की, इसको साइड में रख लेते थोड़ा सा, कितना 50, एंटर, और यहाँ पर कॉपी ऑन कर लो। ठीक है, दो बना लिया मैंने, दो क्यों बनाए, क्योंकि मैं सॉलिड में जाके इसको बुलियन करना चाहता हूँ ताकि ये दोनों एक सिंगल बॉडी बन जाए। ठीक है, अब ये पंच बन गया, और अगर मैं इस बॉडी में से इस बॉडी को रिमूव कर दूं तो ये इसकी कैविटी बन जाएगी, समझे बात। एक जी मैंने कैव कोर बना लिया, एक मैंने कैविटी बना ली ताकि हम उनको दोनों को प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकें। ठीक है, सब कोई भी चीज अगर मुझे रिवॉल्व करनी है, गोल बनानी है, तो हमारे को चौथा हिस्सा बनाना है। ठीक है, चौथा हिस्सा बना के अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ 1 सेकंड के लिए, रिवॉल्व समझाने के लिए, इसको सेव कर लिया, एक नई फाइल खोल के ये देखो, मतलब कोई भी टर्निंग की जो होगा, कोई भी गोल चीज, जी अगर कोई भी टर्निंग की जो है लेथ मशीन पे जो भी चीज बनती है तो उसको मुझे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे चौथा हिस्सा ही बनाना है।
और सॉलिड में जाके रिवॉल्व चेन सेलेक्ट ओके एक्सिस राइट। तो ये एक्सिस दे देंगे तो इसके चारों तरफ घूम जाएगा, ये एक्सिस दे देंगे तो इसके चारों तरफ घूम जाएगा, ये एक्सिस दे देंगे तो इसके चारों तरफ घूम जाएगा। यानी कि जी एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके चारों तरफ घुमाना है हमारे को। ठीक है, कई बारी क्या होता जी है, कई बारी एक्सिस जो है वो दूर होती है। ठीक है, जैसे इसको मूव टू ओरिजिन करके यहां पर रख लेते हैं ऐसे ऐसे। जब मैं इसको रिवॉल्व करूंगा और एक्सिस सेलेक्ट करूंगा ये, तो उतना होल हो जाएगा, बीच में होलो हो जाएगा। ठीक, तो एक्सिस का मतलब जी ये है कि किसके चारों तरफ है, और ड्राइंग का हिस्सा होना कोई जरूरी नहीं है उसका। ओके जी ठीक है, समझिए बात। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे सेब खाते हैं ना सेब, तो कोई एप्पल है उसके हमने चार टुकड़े कर लिए, जी ठीक है, और फालतू की चीज को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा से, ओ सॉरी, थोड़े बीच में बना लेते हैं। ठीक है, अभी सर समझ रहे हैं इसलिए मैं ध्यान जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बाकी जितने रुपए किलो वाला सेब चाहिए उतने बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड रिवॉल्व चेन सेलेक्ट ओके। अब मैं अगर यहाँ पे 360 की जगह 270 डिग्री कर दूँ, ये 270 डिग्री पे रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मूव टू ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ से मटेरियल कर देंगे तो ये चमकने भी लग जाएगा। कई बार पॉलिश किए हुए आ जाते हैं ना सिर्फ ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। रिवॉल्व के लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन समझाना चाह रहा हूँ कि रिवॉल्व के लिए चौथा हिस्सा बनाना है, चौथे हिस्से का फ्रंट व्यू। ठीक है, ठीक तो यहाँ ये जो हमारी ड्राइंग थी इसमें भी हमने यही किया, हमने चौथा हिस्सा बना के उसको रिवॉल्व कर लिया, है ना। अब जी बात है कि टूल पाथ कैसे चलेगा, तो हम मशीनिंग में जाएंगे, मिलिंग डिफॉल्ट करेंगे, ये हमारा सेम ही है। ठीक है, लिया हुआ था मशीन, अब जैसे दो बार आ गया तो एक को राइट क्लिक करो, ग्रुप में जाके डिलीट कर दो। ठीक है, दो नहीं चाहिए हमारे को। अब ध्यान से देखना है कि टूल पाथ जो है हमारे पास रिवॉल्व, इसके लिए पूरा चौथा हिस्सा भी नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए मुझे चेन चलानी कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने कहा जी चेन मुझे इस चैम्फर से शुरू होके इस आर्क तक चलानी है, तो वो पूछ रहा है हमारे से सिलेक्ट पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सिस कहाँ पे है, बस उसको पॉइंट चाहिए, उसको लाइन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक पॉइंट बताना है कि मेरी एक्सिस कहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट बता दिया हमने, ये वाला पॉइंट देना है। ठीक है, उसके बाद मेरे को टूल चाहिए, तो टूल हम एक छोटा सा ले लेते हैं बॉल नोज, क्योंकि ये फिनिशिंग का टूल पाथ है। टूल ले लिया, टूल नंबर देना जरूरी है, रिवॉल्व पैरामीटर में जाके, ये देखो ये एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी, एक्स किधर है ध्यान से देखो, एक्स इधर है ना, पॉइंट हमने बता दिया एक्स के चारों तरफ उसने घूमना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कहाँ पड़ी है, वो यहाँ पड़ी हुई है, कहने का मतलब सिर्फ ये। ठीक है, कुछ नहीं चेंज कर रहा मैं, ओके कर रहा हूँ, ये टूल पाथ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पर मुझे नीचे चाहिए था, पैरामीटर में जाएंगे यहाँ पे कन्वेक्स की जगह कनकेव कर देंगे तो ये टूल पाथ जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, थोड़े से कलरों को कम कर देते हैं। ठीक है, पैरामीटर ठीक में जाएंगे, स्टेप ओवर कम करना है, कम कर सकते हैं, 0.5 कर दिया।
टुलपा चला के देखना है तो टुलपा चला के भी देख सकते। ठीक है, तो कनकेव में चलाना या कन्वेक्स में चलाना वो हमारी मर्जी है, अभी अंदर वाली साइड चाहिए या बाहर वाली साइड चाहिए। जी हमने फिर से रिवर्ट टूल पाथ लिया, फिर से कर रहा हूं मैं दोबारा से, भाई मुझे यहां से शुरू होके इस आर्क तक जाना है। एक्सिस कहाँ है? एक्सिस ये पॉइंट पे, ठीक है। रिवॉल्व और कन्वेक्स चाहिए क्योंकि हमें ऊपर बनाना है। अभी देखो ये इसके अंदर बन गया, जबकि हमारे को ये लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे तो ये बाहर की तरफ बन जाएगा। ठीक, जी टूलपाथ चलाएंगे, प्ले करेंगे, ठीक, समझ रहे जी बात कि रिवॉल्व टूलपाथ कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा छूट गया, क्यों? क्योंकि हमने आर्क पूरी सिलेक्ट की, तो ज्योमेट्री में जाएंगे, इसको चेन को रीजेन ऑल, कहाँ से शुरू होके कहाँ तक चलना है। ठीक है, ओके, पॉइंट भी चाहिए, जी एक्सिस पॉइंट उड़ गया ना, पैरामीटर में देखें, नहीं, तो ये ऐसे कंडीशन में हमारे को दोबारा ही करना पड़ेगा अगर हमने ज्योमेट्री सही नहीं की तो, क्योंकि चेन सेलेक्ट करने की तो ऑप्शन आती है पर एक्सेस पॉइंट देने की ऑप्शन नहीं आती। ठीक है, तो एडिट करने से अच्छा उसको दोबारा ही बना लो। ठीक है, डायरेक्शन लेफ्ट की जगह राइट कर सकते हैं, और कन्वेक्स कर देंगे, ओके कर देंगे, अभी ठीक आ गया ना। जी तो ये हमारा टूल पाथ था रिवॉल्व का। ठीक है, अभी इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है कि ये जब टूल पाथ चलता है ना, यहाँ पे एक नई कमांड सिखाता हूँ, यहाँ होम में ऑप्शन है एनालाइज टूल पाथ। इसमें क्या है, जहां पे मैं कर्सर ले जाऊंगा वहां पे मेरे को टूल नजर आ रहा है। ये देखो, ये टूल जो है ये इसके अंदर घुसा हुआ है, जब ऊपर है, ऊपर तो ठीक है, जब जी यहां पे आ रहा है तो ये अंदर घुस जा रहा है। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि यहाँ पैरामीटर में ऑप्शन होती है हमारे पास ट्रिम टूल पाथ हाइट में, तो जितना टूल का रेडियस है उतना अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो ये टूल पाथ ऊपर हो जाएगा। तो अब जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो ये ऑपोजिटिव बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे आता ऊपर हो गया। इसको, हाँ इसको डेढ़ करना है, 3 का टूल है ना। ठीक, तो फिर जो हमारा टूल पाथ है वो उसके बीच में नहीं घुसेगा। ठीक है, तो जितना हम ट्रिम कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है हम 5 mm कर देंगे तो वो 5 mm तक ट्रिम कर देगा। मतलब उसने क्या किया, फ्रंट से देखो तो यहां से उसने 5 mm कट कर दिया और बाकी का टूल पाथ चला दिया। इसमें हमने अगर नथिंग कर दिया तो पूरा चलेगा। ठीक है, अगर हमने इसको विड्थ दे दी कि 5 से लेके -5 तक चलना है तो ये सिर्फ बीच बीच में चलेगा, टॉप व्यू देखो सिर्फ सेंटर में चलेगा, इधर से भी ट्रिम हो गया, इधर से भी ट्रिम हो गया, 5 mm इधर चला, 5 mm उधर, -5 से लेके 5 mm। ठीक, समझ आई बात? जी इसको नथिंग कर देंगे तो पूरा चलेगा।
ओके तो एक चीज ये थी। कई बार क्या होता है हमारे पास डाई है जैसे ये, अब ये चलते चलते गई घिस मान लो, ठीक है, जितने पीस निकालने थे निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 mm ऊपर से फेसिंग करेंगे और इस टूल पाथ को 5 mm अगर मैं नीचे कर दूं तो एक नई डाई बन जाएगी। तो पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 5 नहीं करते 1 mm कर देते हैं नीचे, -1, ठीक। तो वो क्या करेगा, सारा टूल पाथ नीचे हो गया। अगर फ्रंट व्यू में देखो वायर फ्रेम करके, तो ये सेंटर से 5 -1 हो गया नीचे, चलिए मतलब सारा का सारा टूल पाथ नीचे चला गया। ऊपर से अगर फेस कर दूं मैं तो एक नई डाई बन जाएगी, ठीक है ना। जी या जितना भी घिस गया है मान लो 0.25 घिस गया, या जितने भी है ना, जितना भी हमारे को नीचे करना है हम उतना उसको नीचे कर सकते हैं। जी ज्यादा करना है ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं करना तो छोड़ 0 डिग्री, ठीक। दोनों टूल पाथों को एक साथ चला के देखना है, दोनों यहाँ पर टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग जाएगा। जब दोनों पे टिक लग जाएगा तो हम इसको चला के देख सकते हैं, ठीक। तो ठीक दोनों पे टिक लगा के ये वाला बटन दबा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्पीड को स्लो करके प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्वेक्स है एक कनकेव है, एक डाई है एक पंच है, ठीक है। तो अंदर चलाना अंदर चल जाएगा, बाहर चलाना बाहर चल जाएगा। टूल पाथ का नाम है रिवॉल्व टूल पाथ, ठीक है। तो बेसिकली ये फिनिशिंग का टूल पाथ है, रफिंग हमारे को इससे पहले करनी पड़ेगी, ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए काम आएगा। रफिंग फिर नॉर्मल ना ऑपरेशन ना करेंगे। रफिंग का अलग तरीका, वो रफिंग जब हम करेंगे तब समझेंगे, फिलहाल हम समझना चाह रहे थे रिवॉल्व टूल पाथ, ओके ठीक। तो ये समझना इम्पोर्टेंट था। अब हमारे को रिवॉल्व समझ में आ गया, हमारे को टूल पाथ समझ में आ गया। एक चीज और छोटी सी बना के दिखाता हूँ, तो हमारा रिवॉल्व जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक नट होता है ना, जैसे नट बोल्ट होते हैं, वैसे ही अगर मुझे कोई चीज बनानी है तो मुझे को यहाँ से पॉलीगन बनाना पड़ेगा। पॉलीगन हमने बना दिया मान लो 30 रेडियस का, ठीक है, 6 साइड है, 30 का रेडियस है, ओके, ठीक। अब इसको हमने कर दिया एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करते हुए यहाँ चेन कर लेना ताकि एक ही बार में सिलेक्ट हो, ठीक। कितना एक्सट्रूड कर दिया जी, हमने कहा जी 30, बहुत डायरेक्शन कर सकते हैं 15, ठीक। अब इसको ये देखो, अगर मैं यहाँ पर सी प्लेन को चेंज कर दूं, फ्रंट व्यू कर दूं, तो एक्स वाई की डायरेक्शन चेंज हो गई, दिख रही है, सारी लाइनों का काम खत्म हो गया। इसको ब्लैंक कर देते हैं, एक्स वाई चेंज हो गया ना। अब अगर मैं टॉप व्यू करूं और यहाँ पे एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूं, टू एंड पॉइंट लाइन ली, कितनी वैल्यू जी 5 mm, एक लाइन नीचे लगाई कितनी वैल्यू जी 5 mm, एक लाइन मैंने यहां से ऐसे मिला दी, ठीक। ये सिर्फ कॉर्नर वाली साइड में बनाना है हमारे को, जहां पे पॉलीगन के कॉर्नर है ना उस साइड बनाना है हमारे को, ठीक है। एक सेंटर लाइन भी चाहिए तो सेंटर लाइन भी लगा लो, ठीक। और सॉलिड में जाके रिवॉल्व करेंगे, ओके। एक्सिस कौन सी, ये
कितने डिग्री पे? 360 डिग्री पे। ये कुछ ऐसे बन रहा है, अगर मैं इसको कट बॉडी कर दूं तो जैसे नट के ऊपर होती है शेप, वो शेप आ जाएगी। जी ठीक है, समझ आई बात कि हमें क्या चीज बनानी है। टॉप व्यू किया, वायर फ्रेम किया, लाइन लगाई, ठीक है, 5 की, ओके, एक लाइन लगाई, 5 की, ओके, दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ओके, और रिवॉल्व कर दिया, ओके। एक्सिस कौन सी? एक्सिस यही ले लेते हैं, ठीक है। कट बॉडी हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो नीचे भी कट लग गया, जी ठीक है। इसको फ्रंट जी टॉप व्यू करो, वायर फ्रेम करो। अगर मैं सेंटर में बना दूं कोई चीज, जैसे रेक्टेंगल बना दिया मैंने, मान लो यहाँ पे, इसका डायामीटर हमने कहा जी 6, इसकी लेंथ -30, ठीक है, ओके। और सॉलिड में जाके रिवॉल्व चेन सेलेक्ट की, ओके, एक्सिस सेलेक्ट की, तो ये बीच में गोल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड में चैम्फर की ऑप्शन होती है। मैं कमांडे ताओ सिखा रहा हूँ क्योंकि वो भी तो हमें सीखनी ही है ना, कमांडे, तो जी जी इसलिए साथ साथ हम वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो 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 एमएम की या एक एक एमएम की चैम्फर लगा दी कॉर्नर, ठीक है, ओके। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज, इनको डिलीट नहीं कर सकते, ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो जी ये हमारा एक तरीके से नट बन गया। तो रिवॉल्व करने, रिवॉल्व कट समझने की कोशिश कर रहे थे हम इसमें, जी ठीक है। तो हमारे को रिवॉल्व का टूल पाथ भी समझ में आ गया, हमारे को रिवॉल्व कट भी समझ में आ गया, ठीक है। एक छोटी जी सी चीज और सिखाऊं, यहाँ पे ना एक कमांड होती है मर्ज। अगर मर्ज में जाके मैं ये वाले रिवॉल्व को ओपन कर लूं तो वो जो चीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये जुड़ गई ना नहीं, जुड़ी नहीं है अभी, जुड़ेगी तब जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अभी तो ये वहीं पे आ गई जहां पे वो बनी हुई थी। अब मैं ट्रांसफॉर्म करके इसको साइड में रख सकता हूं, मतलब दो दो जो है मॉडल उनको हम मर्ज कर सकते हैं। काम कहाँ आएगा, जैसे कोई क्लैंप क्लम्प लगाना होता है या कुछ जी असेंबली फिक्सचर बनाना है, तब तो हमारे को ये सारी चीज काम आएगी, ठीक है। आगे जाके देखेंगे वो भी, पर ये अभी याद आ गया तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। कोई चीज पेट में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कमांड रिवॉल्व की। रिवॉल्व टूल पास समझ में आ गया हमारे को, हमारे को रिवॉल्व करना समझ आ गया, रिवॉल्व कट समझ में आ गया। जो भी चीज बनानी है उसका चौथा हिस्सा चाहिए हमारे को, है ना। हमने जी सेव डिलीट कर दिया, नहीं तो सेव भी ले आते, वैसे अभी भी ला सकते हैं। टॉप व्यू करो, अभी हमारे पास है 2 मिनट, तो हम यहाँ पे रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितने रुपए वाला सेब बनाना हो या जितने पैसे मिल रहे हो उतना अच्छा ये बना सकते हैं हम, जी ठीक। फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे, जो भी चीज जैसी भी चाहिए वैसी बना देंगे। ठीक है, सॉलिड रिवॉल्व इसको सेलेक्ट किया, ओके, एक्सिस सेलेक्ट की। अब 360 पे नहीं करना हमारे को, 270 पे कर देते हैं, दोबारा करना पड़ेगा।
रिवॉल्व चेन सेलेक्ट, ओके एक्सेस सेलेक्ट, अभी इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे हम यहाँ पर ट्रिम में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है वायर फ्रेम में, ट्रिम के अंदर ट्रिम टू एंटिटी, तो जितने भी कॉर्नर हैं ऐसा हो सकता है कि वो आपस में जुड़े ना हो, ठीक है, तो उस वजह से भी पंगा हो जाता है। सॉलिड रिवॉल्व चेन सेलेक्ट, ओके एक्सेस सेलेक्ट, बना नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, कभी भी जिंदगी में आलस नहीं करनी चाहिए, ठीक, जब भी जल्दी करेंगे तभी खड्डे में गिरेंगे, तो इसलिए दोबारा बनाना हमेशा आसान होता है गलतियां सुधारने से, ठीक है, आंखें खोल के प्यार से डिवाइड करते हैं। सॉलिड रिवॉल्व चेन सेलेक्ट एक्सिस सेलेक्ट, बन गया ना, इसको 270 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 से शुरू होके 360 डिग्री तक जाना है, ठीक है, हर एक गलती का कोई ना कोई फायदा भी हो जाता है, तो हमारी ये ऑप्शन रह गई थी मैं कहाँ से शुरू होके कहाँ तक हमें रिवॉल्व करना है, ठीक है, तो वो चीज कर जी सकते हैं हम, इसको 180 से शुरू होके हम इसको बोल सकते हैं कि 90 तक जाना है, -90 तक, जी 180 से शुरू होके 0 तक, हमारे को इधर से काटना चाहता हूं मैं, 90 से शुरू होना है और 270 पर जाना, ठीक है, जितनी वैल्यू बढ़ देंगे उसके हिसाब से आ जाए, ठीक है, तो रिवॉल्व करना रिवॉल्व कर लो, ट्रांसफॉर्म करना ट्रांसफॉर्म कर लो, रोटेट बनाने के बाद भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं कि हमारे को किधर को चाहिए, कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है, ओके कर ठीक देंगे, ओके कर देंगे, राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर देंगे। अगर हम किसी मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक कर लेते हैं तो यहां से भी हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके व्यू में जाके मटेरियल बंद कर दो, कलर सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक, जी ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को हम ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, अब देखो टूल पाथ नहीं आई है ना, टूल पाथ नहीं आए, जी मॉडल तो आ गया था, टूल पाथ नहीं आए, टूल पाथ खाली खाली है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन होती है इंपोर्ट की, इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से ब्राउज कर लेंगे जो हमारी वाली फाइल है जिसमें टूल पाथ बने हुए थे, ठीक है, फाइल कहाँ पड़ी है वो ध्यान से देखना पड़ेगा पहले, वो पड़ी है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो पाथ को, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंपोर्ट फाइल्स की जगह बताओ, यहाँ से मास्टर के यहाँ फाइल और ये वाले को ओपन कर लो और ऐड कर दो, टू ऑपरेशन सक्सेसफुली ऐड हो गई, रेड क्रॉस लगा, इसको रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट करने पे चला नहीं, क्यों, उसको ज्योमेट्री नहीं मिल रही, तो ज्योमेट्री हमारे को दोबारा देनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं,
ये इम्पोर्ट मैं तुम्हारे को बाद में दोबारा से सिखाऊंगा अलग उसमें, ठीक है। मैंने कहा चला आ जाए तो अच्छी बात है, पर वो आया नहीं, उसको चेन वगैरह नहीं मिली ना, क्योंकि जी जो चीज ब्लैंक है या अनब्लैंक है वो नहीं मिली उसको, करवे नहीं मिली। जी ठीक है, एक बार फिर से लास्ट ट्राई मार के देखता हूँ। इम्पोर्ट फाइल का पाथ बताओ, यहां से मास्टर कैम की फाइल, मॉडल को सिलेक्ट किया, ओपन।